दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आज मैं बनाऊंगी भसेड़ की सब्जी, जिसे आप लोग कमल ककड़ी कहते हैं, हमारे यहाँ इसको भसेड़ कहते हैं। तो इसके लिए आपको भसेड़ काटनी है, प्याज लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट लेना है, और ये प्याज लेनी है, टमाटर भी मिक्स करना है इसमें, और ये है हल्दी जो थोड़ी सी आपको डालनी होती है हर सब्जी में, तो इसमें भी आप डालेंगे। ये है सब्जी मसाला, पाउडर सब्जी मसाला है, गरम मसाला है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा क्वांटिटी में लेना है, और नमक लेना है। प्रेशर कुकर में बनेगी सब्जी, तो आप पहले कुकर को गरम कर लीजिए और इसमें फिर डालिए सरसों का तेल। सरसों का तेल हीट हो जाए तो हल्की सी हींग डालिए, और हींग डालने के बाद आपको प्याज का तड़का देना है। प्याज जब हल्की हल्की ब्राउन होने लगेगी तो फिर आपको इसमें ऐड करनी है कटी हुई भसेड़ यानी कमल ककड़ी। अब इसको आपको 5 से 10 मिनट तक फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी कड़ी होती है तो इसको पकने में टाइम लगता है। भसेड़ फ्राई होती है, मैंने इस पेस्ट में जो कि प्याज लहसुन हरी मिर्च और टमाटर का है, इसमें सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं, और ये प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और एक साइड में मैंने ये फ्राइंग पैन लिया है छोटा सा, और इसमें मैं फ्राई करूँगी बरी, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ कोड़ौरी। तो बरी को मैंने फ्राई कर लिया, क्योंकि मुझे इसको सब्ज़ी में डालना है भसेड़ की। अब मैं क्या करूँगी, जो मसाले बनाए हैं उसको मैं अपनी सब्ज़ी में डालकर अच्छे से भसेड़ में मिक्स कर दूँगी, और उसे थोड़ी देर तक भूनूँगी। फिर इसमें ऐड करना है आपको थोड़ा सा पानी और सॉल्ट, और फिर आपको कोड़ौरी को इसमें डाल देना है, बरी को, और अच्छे से मिक्स करके फिर आपको इसमें प्रेशर लगा देना है। पहली सीटी आने पे आपको क्या करना है कि गैस को धीमी कर देना है, और उसके बाद कम से कम 8 से 10 सीटी आने के बाद ये तैयार हो गई है हमारी भसेड़ की सब्जी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपको यहाँ इसको क्या कहते हैं ये भी बताइएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।